लग रहा है ना बहुत ही प्यारा सा ये केक। तो चलिए आज बनाना सीखते हैं ये गुलाब जामुन एगलेस बर्थडे केक। इसे हम बनाएंगे बिना ओवन के। देखते हैं स्टेप बाय स्टेप इसे कैसे बनाना है। इसका बेस जो हम बनाएंगे वो होगा वैनिला फ्लेवर का। तो चलिए जल्दी से बनाना शुरू करते हैं ये एगलेस गुलाब जामुन बर्थडे केक। रेसिपी पसंद आती है और वीडियो भी अच्छा लगता है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तो सबसे पहले हमने एक मिक्सर का जार ले लिया है, उसमें हम डालेंगे 3/4 कप चीनी और 4 से 5 ये हरी इलायची है जिसका कवर निकाल के इसे हमें पीस लेना है। अब एक मिक्सिंग बाउल में हम 1/2 कप दूध और 2 बड़े चम्मच दूध, 2 बड़े चम्मच दही डालेंगे और इसे हम मिक्स कर लेंगे। याद रहे दूध और दही दोनों रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए, ठंडा नहीं होना चाहिए। अगर आपने फ्रिज में रखा है तो इसे पहले से निकाल के बाहर रख दें। मिक्स कर दिया है इसे, अब हम इसमें डालेंगे मेल्टेड बटर जो कि था 2 टेबल स्पून और इसमें हम डालेंगे 2 टेबल स्पून ऑयल। ये कैनोला ऑयल डाला है मैंने, कोई भी अनफ्लेवर्ड ऑयल डालना है और इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब इसमें मैंने डाले हैं कुछ सैफ्रॉन के स्ट्रैंड्स, केसर डाला है और ये पीसा हुआ जो चीनी और इलायची का मिक्सचर था उसे डाल दिया है। तो अब बस हमें इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। चीनी पूरी तरह से पिघल जानी चाहिए और सारा मिश्रण एक साथ आ जाना चाहिए। लगे हाथ हम कढ़ाई चढ़ा देंगे गैस पे। इस पे नीचे मैंने सॉल्ट रखा है जो मैंने ऐसे 5 बार यूज़ किया है। उसके ऊपर एक परफोरेटेड कोई भी प्लेट रख दे और इसे हम प्रीहीट करने रख देंगे 10 मिनट के लिए। अब हम मिक्सर में 4 से 5 बूंद ये येलो फूड कलर डालेंगे और अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच तक वैनिला एसेंस और एक बार इसे अच्छी तरह से वापस मिक्स कर लेंगे। मिक्सचर येलो हो जाएगा और अपना केक बेस जो है वो बहुत ही सुंदर बन के तैयार होगा। 1 कप मैदा डालेंगे इसमें, आधा अभी डाल रही हूँ और आधा थोड़ी देर में डालेंगे। इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच ये बेकिंग पाउडर और 1/4 चम्मच बेकिंग सोडा डालेंगे और बाकी का बचा हुआ जो मैदा है उसे भी डाल देंगे और इसे हमें अच्छे से मिक्स करना है। आप चाहे तो छानते वक्त ये तीनों चीज़ को एक साथ भी बना के रख सकते हैं, जिसे केक फ्लोर भी कहा जाता है। अच्छे से मिक्स कर दें इसे एक ही डायरेक्शन में, जब तक इसमें लम्स ना हो तब तक इसे मिक्स करते रहें। ट्राई करें कि जल्दी से ये मिक्स हो जाए, ज़्यादा भी हमें ओवर मिक्स नहीं करना है इसे। तो जैसे ही आपको लगे ये अच्छे से मिक्स हो गया है, कोई भी लम्स नहीं है, हम इसे अब ट्रांसफ़र करेंगे केक टिन में। तो केक टिन को मैंने ग्रीस कर लिया है और नीचे ये बटर पेपर भी लगा लिया है, ऑयल से ग्रीस कर दिया है। अब हम इसमें डालेंगे ये बैटर जो हमने तैयार किया है। बहुत ही अच्छी कंसिस्टेंसी का बैटर है, आप देख सकते हैं, रिबिन कंसिस्टेंसी जिसे बोलते हैं। अब हम इसे अच्छे से टैप कर लेंगे ताकि कोई भी एयर बबल्स हो वो निकल जाए। और ये प्री हीट हो चुका है, 10 से 15 मिनट हो चुके हैं, मीडियम फ्लेम पे प्री हीट हो रहा था। अब हम इसमें ये केक टिन रख देंगे और इसे हम ढक देंगे और बिल्कुल लो फ्लेम पे इसे हमें 40 to 45 मिनट्स के लिए बेक होने देना है। तो जब तक केक बेक हो रहा है हम व्हिप क्रीम भी तैयार कर लेते हैं। 1 कप व्हिप क्रीम लिया है एक बाउल में और इसे हम व्हिस्क करके इसे तैयार कर लेंगे। तो यहाँ मैंने ट्रोपोलाइट का व्हिपिंग क्रीम लिया है, इसे बस आपको केक शॉप से लाना है और इसे व्हिप करके रेडी करना है। क्रीम भी रेडी है, आइए अब देख लेते हैं केक को। करीबन 40 मिनट्स हो चुके हैं, जब आपको अच्छी सुगंध आने लगे तब हम इसमें ये टूथपिक डालकर चेक करेंगे। अगर टूथपिक साफ निकले तो इसका मतलब केक अच्छे से बेक हो चुका है। गैस को बंद कर देंगे और इसे ठंडा होने रख देंगे। जब ये बिल्कुल अच्छे से रूम टेम्परेचर पे ठंडा हो जाएगा तब हम इसे डीमोल्ड कर लेंगे और आप देख सकते हैं बहुत ही प्यारा सा एकदम अच्छा सा केक बनके तैयार हुआ है, बेस जिसे कहते हैं। और ये बटर पेपर मैंने निकाल दिया है, इसके मैंने 3 लेयर्स बना लिए हैं। तो लेयर्स आप या तो नाइफ से कट कर लें या फिर धागे के हेल्प से कट कर सकते हैं। यहाँ मैंने 12 से 13 गुलाब जामुन ले लिए हैं उसके शुगर सिरप के साथ। तो ये सिरप हमें लगा देना है अपने केक बेस के ऊपर, ब्रश कर देना है अच्छे से, सोक कर देना है। अब इसके ऊपर हम एक लेयर व्हिपिंग क्रीम का स्प्रेड कर देंगे
थिक लेयर लगा दें। अब इसके ऊपर हम ये गुलाब जामुन के पीसेस रख देंगे। इसे मैंने कट कर लिया है राउंड शेप में, ये देखिए। अब हम इसके ऊपर वापस व्हिप क्रीम स्प्रेड कर देंगे, एक लेयर और लगा देंगे। और यही स्टेप हमें बाकी के दोनों लेयर्स के साथ भी करना है। तो अच्छे से स्प्रेड कर दे, कवर कर दे पूरे गुलाब जामुन को। बहुत अच्छा टेस्ट आता है इसका, और इसका बेस जो बना है वो भी बहुत ही बेहतरीन है। तो दूसरा लेयर भी हम इसके ऊपर लगा देंगे, और वापस इसके ऊपर वो गुलाब जामुन का शुगर सिरप लगा के वही स्टेप्स वापस रिपीट करेंगे, और तीनों लेयर का केक बना कर इसे अच्छे से कवर कर देंगे व्हिप्ड क्रीम के साथ। अब गुलाब जामुन के हाफ पीसेस हम इस तरह रख देंगे। अब बचे हुए व्हिप्ड क्रीम से हम इसको अच्छे से डेकोरेट कर देंगे। व्हिप्ड क्रीम में मैंने कलर डाला है येलो वाला, और इस तरह ये बढ़िया सा बहुत ही सुंदर सा ये केक रेडी हो जाता है। इसके ऊपर मैंने यूज़ किया है रोज़ पेटल्स और कुछ पिस्ताचियोस के पीसेस, और बचे हुए गुलाब जामुन के टुकड़े जो है उसे मैंने कट करके इस तरह सजा दिए हैं। तो जैसे आपको पसंद आए वैसे आप इसका डिज़ाइन कर सकते हैं या डेकोरेट कर सकते हैं। बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। ये मैंने मम्मी के बर्थडे के लिए बनाया था। रेसिपी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर। बाय बाय।